What is up guys, it's me Ars, ये न्यू चिंग Ars Attack। आज गले में कुछ और ही पहनने वाला था पर मैंने सोच लिया नहीं। ये बेसिकली Samsung की तरफ से एक नेक बैंड या ईयरफोन जो भी आप कह सकते हो, मतलब जो भी आप कहना चाहते हो। ये एक मैं तो ईयरफोन ही बोलता हूँ। ये जो ईयरफोन है ये लगभग एक साल हो चुका है हमें यूज़ करते हुए और इसमें परफॉर्मेंस में तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि बैटरी बैकअप और जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तगड़ी है। बैटरी बैकअप लगभग 8-9 घंटे का तो मिल ही जाता है और जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। साउंड क्वालिटी गजब, मतलब एकदम तगड़ी। सो, इसने हमें एक धोखा दे दिया। धोखा कुछ ऐसा है कि ये जो ईयरफोन है ये लगभग एक साल का तो हो चुका है। मैंने इसे कई सारे डिवाइसेस में यूज़ किया, जैसे कि मैं लैपटॉप और कंप्यूटर और मेरा 2-3 स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन में भी यूज़ किया। ये चल जाता है और बेसिकली आज एक साल के बाद क्या हुआ कि ये जो है ये कनेक्ट या शो नहीं हो रहे, विजिबल नहीं हो रहे। जब भी मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ तो इसका जो नाम है Samsung Level U या कुछ ऐसा है, तो ये शो नहीं हो रहे। बेसिकली कनेक्ट करने के लिए तो शो होना चाहिए, तभी हम पैर कर सकते हैं, उसके बाद ही ये कनेक्ट होगा ना, तो ये शो नहीं हो रहे। आज की इस वीडियो पे मैंने सोचा आपको मेरा जो अंदर का दिक्कत है या अंदर का जो भी दिक्कत रह चुका है या जो भी है वो आपको बताया जाए। तो इसीलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। बने रहिए Ars Attack के साथ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको ठीक करना है अगर आपका शो नहीं कर रहा है उसका नेम। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो नेक बैंड है जिसके पास है वो उसको पता होगा ही किस तरह से देखते हैं। ये बेसिकली राइट साइड से अगर हम बात करें तो राइट साइड से कुछ नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल से ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है इधर, और ये कुछ इस तरह का ये ईयरफोन आपको मिल जाते हैं। तो ऊपर की तरफ से अगर हम देखें इस साइड ही कोई सिर्फ लेवल का ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर ये माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा जहाँ से आप इस ईयरफोन या नेक बैंड को चार्ज कर सकते हो। और नीचे ये दो लाइटें मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो, ये ऑन ऑफ करते समय ये जलता है। और इधर इस लेफ्ट साइड को आपको ये तीन बटन मिल जाते हैं, ये वॉल्यूम प्लस माइनस और प्ले पॉज का बटन। तो अगर आपके भी फ़ोन या PC पे ये शो नहीं हो रहा है इसका नाम, तो मैं आपको एक सीधी तरीके बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है, आपको इसे ऑन कर लेना है। ये फिलहाल ऑफ में है, तो ऑन जब भी आप करेंगे तो एक लाइट ब्लिंक होगा, ये ब्लू कलर का, ये आप देख सकते हो। लाइट ब्लिंक होने के बाद आपको ये जो प्ले पॉज का बटन है इसको दबा के रखना है लगभग 5 सेकेंड्स। तो जब आप 5 सेकेंड्स तक दबा के रखोगे ये जो लाइट है ये अकेले रंग बदलते जाएंगे, ये रंग बिरंगी। सो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह। अगर आप अभी फ़ोन को ब्लूटूथ ऑन करोगे या जो भी फ़ोन या PC जहाँ पे भी आप ब्लूटूथ ऑन करोगे तो ये डायरेक्टली शो होगा और आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो भी कह लो ये। तो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में इतना ही जानकारी थी। अगर आपके पास ये है और कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है तो आप ठीक कर सकते हो विद इन 1 मिनट। तो इतना ही इस वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।